आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत शानदार प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी के वर्कर शहर में पटाखे चला के नाच चुका के जश्न मना रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखी मुख्यमंत्री अहदे के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल नवी दिल्ली सीट तो चोण जीते ने। उन्होंने नवी दिल्ली हल्के तो भाजपा की उम्मीदवार नूपुर शर्मा 31,583 वोटों के नाल हराया। उन्होंने लोगों के समर्थन का धन्यवाद किया। इस नाल ही देश के चोटी के सियासतदानों वालों अरविंद केजरीवाल को वधाई दी जा रही है। इन्हां दे विच ममता बैनर्जी अखिलेश यादव के नाम शामिल ने। इस तों इलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन करके केजरीवाल नूं वधाई दित्ती। आज बीजेपी का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। हम लोगों को बिल्कुल अहंकार नहीं करना है। हाथ जोड़ के सब लोगों की सेवा करनी है। दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन मुझे जनता पे यकीन है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के साथ मिलके हम दिल्ली को ऐसा शहर बना सकते हैं जिसके ऊपर गरीब और अमीर दोनों गर्व करेंगे। ये मेरी पत्नी है। कभी भी सामने नहीं आती क्योंकि ये सरकार में काम करती है। एक डर लगा रहता है। सरकार इनके खिलाफ एक्शन ना ले ले। आज मैं इनको खींच के ले आया और मैंने कहा डरो मत, सरकार को ही एक्शन मिलेगी। दोस्तों, जो कुछ भी मेहनत मैं करता हूं वो मैं मेहनत बिल्कुल नहीं कर पाता अगर मुझे इनका साथ नहीं मिलता। मेरे पिताजी हैं, अगर हमारे परिवार का सपोर्ट जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुकून का दिन है। मैंने आज दिन की शुरुआत की थी ये कहते हुए कि उम्मीद का दिन है। ये दिए और आंधी की लड़ाई है, उसके परिणाम का दिन है और दिया जीतेगा। अरविंद भाई बार बार कहते हैं जब जुनून और पैसे में जंग होती है तो जुनून जीतता है। वो जुनून जीत रहा है। वो रथ जो देश में चल रहा था कम से कम कुछ क्षण के लिए वो रथ रुक गया है। वो उम्मीद का दिया जो लोगों ने सोचा था कहीं बुझ गया है, वो दिया दोबारा जल उठा है। और हम तो सिर्फ एक निमित्त हैं। हम लोग कौन हैं? इतनी बड़ी ताकत, सत्ता, पैसे के खिलाफ खड़े होने की हमारी क्या औकात थी? लेकिन दिल्ली के आम आदमी ने अपने कंधे पे बैठा लिया हम छोटे छोटे लोगों को और कहा कि तुम लड़ सकते हो। तो आम आदमी पार्टी को नहीं, उस आम आदमी को मैं सलाम करूंगा जिसने अपनी हिम्मत से दिखा दिया कि लोकतंत्र में लोक बड़ा होता है, तंत्र छोटा होता है। प्रधानमंत्री जी ने अरविंद जी को बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि दिल्ली का भला आपके जरिए हो। तो केजरीवाल जी ने बधाई कबूल किया और अगले 2-3 दिन के बाद उनके साथ मिलने का जो प्लान बना।
उधर चोन हारन तो बाद किरण बेदी ने विधानसभा चोणों में पार्टी की हार कबूलदिया कहा कि पार्टी आगुआ वालों उन्होंने जिम्मेवारी सौंप के उन्होंने माण वधाया गया है और भाजपा के नाल जुड़े रहेंगे। Every choice is my responsibility, and that's the last thing I do. In any one of my interviews, in any interviews, main pooch lo, kabhi maine kuch cheez regret kiya, maine hamesha kaha hai, main sirf dhanyawad deti hu. I never regret. What could have been and what could not have been, that time alone will tell. किरण जी, कार्डर का समर्थन नहीं मिला बीजेपी का, जो कार्डर है ये मैं नहीं विश्वास करती कि कार्डर का समर्थन नहीं मिला। ऐसी बात नहीं है, मुझे कार्डर का समर्थन मिला। असंतोष था आपको लेकर? मुझे कार्डर का पूरा समर्थन मिला, मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि उन्होंने जी जान लगाई। ये मेरा धर्म है, दिल्ली को समर्पित रहना। दिल्ली को मैं समर्पित 40 साल से हूँ दिल्ली को समर्पित, इसलिए मैं दिल्ली को समर्पित ही रहूंगी अपने अपनी काबिलियत के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार। उधर पार्टियों का पार्टी नूं दिल्ली विच निराशा का सामना करना पिया, की कहना है भाजपा आगुआं दा, आओ सुनते हैं। क्या बात है, जनता ने हराया और हम हार गए। कारण क्या मानते हैं? अब कारण तो एक अभी एक मिनट में बैठ के तो नहीं निकलेगा। हम दिल्ली की जनता का मूड भांपने में कहीं ना कहीं असफल रहे हैं। हार का सबसे बड़ा कारण है कि दल यदि जनता का मूड नहीं भांप पाता है तो निश्चित तौर पे परिणाम अनुकूल नहीं आते, प्रतिकूल आता है, और वही हुआ है। हम दिल्ली का मूड समझ नहीं पाए कि सामूहिक तौर पर तो बात जब चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जिम्मेदारी अगर आप फिक्स करेंगे तो एकमात्र मैं हूं, जो दिल्ली का प्रभारी मुझे पार्टी ने दिया था, मैं जिम्मेदार हूं इसके लिए। हम कहना चाहते हैं कि जो जनादेश लोगों ने दिल्ली के लिए दिया है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उस जनादेश के साथ है, और कहीं ना कहीं लोगों के जो मूड है, लोगों का जो विश्वास है, शायद उसको समझने में हमसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल जरूर हुई होगी, और इस हार की सामूहिक जिम्मेवारी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व की होगी। और भारतीय गड़बड़ियां तो नहीं होंगी, तभी तो हमारे प्रधानमंत्री की हर तरफ जय जयकार ही हो रही है पूरे देश में। सारे स्टेट, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड सब आ रहे हैं, आगे भी ये जत्थे अच्छे होंगे हर स्टेट में, लेकिन दिल्ली में ये रिजल्ट एक बार हमको बैठ के समीक्षा करने को तो विवश करता है कि हमने क्या। वी हैव वन इन 7 प्लेसेस, फर्स्ट टाइम देयर इज अ सेटबैक इन दिल्ली। वी एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली हम्बली, एंड देन वी रेस्पेक्ट देयर मैंडेट, and we will cooperate with the new government in a more meaningful manner for the all round development of Delhi. Every election has a message. The party has to study the message, understand where we have lagged behind, what are the reasons, and they have to be rectified for future. hain wo ummeed ke mutabik nahi hain, hum samuhik netritv mein lade the। हम ये मानते हैं कि कोई न कोई हमसे दिल्ली की जनता क्यों रूठी है, इस पर चिंतन करेंगे, लेकिन ये रुझान है और नतीजे आते आते हमें लगता है कि इसमें अभी भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। नहीं, किरण बेदी जी के नेतृत्व में जरूर लड़े, लेकिन दिल्ली में हम सामूहिक नेतृत्व में लड़े। किरण बेदी जी उसका नेतृत्व कर रही थी, और दिल्ली में क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई, और जो कांग्रेस का वोट है वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया, इसी वजह से इस तरह के नतीजे आ रहे हैं। हमारा जो वोट है वो इंटैक्ट है, लेकिन कांग्रेस का जो वोट है वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया, इसलिए ये नतीजे आए। दिल्ली विधानसभा चोणों में कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया, इतने कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल सकी। दिल्ली दी 70 सीटों में कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार बढ़त हासिल नहीं कर सके, इतों तक कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री अहदे के उम्मीदवार अजय माकन भी अपनी सीट से पिछे चल रहे हैं। कांग्रेस की इस करारी हार नूं देखते हुए अजय माकन ने जनरल सकत्तर के अहदे तो अस्तीफा दे दिता है। मैं सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी दोनों को बधाई देना चाहूंगा। जनता का जो निर्णय है लोकतंत्र के अंदर वो सर्वोपरि होता है, सर्वमान्य होता है, और जनता का जो जनादेश इन चुनावों के जरिए हम सब लोगों को मिला है, हम लोग बधाई देना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी को, और उम्मीद करेंगे कि जो वायदे उन्होंने किए हैं, जो सपने उन्होंने इस चुनाव के दौरान और पहले जिन सपनों को रेखांकित किया है,
उन सपनों को जरूर दिल्ली के अंदर पूरा करेंगे, उन वायदों को जरूर पूरा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो जनादेश है उसको हम सर झुका के स्वीकार करते हैं। एक बात बिल्कुल साफ है कि दिल्ली की जनता, और क्योंकि दिल्ली में सभी प्रदेशों से आकर लोग बसते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाना चाहती थी। जो उनका अहंकार था उसको तोड़ना चाहती थी, और उन्होंने ये सोचा कि इस कार्य को करने के लिए आम आदमी पार्टी, ना कि कांग्रेस पार्टी। उधर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि दिल्ली चोणा जीतण का मतलब यह नहीं है कि पूरा देश जीत लिया, नाल ही उन्होंने जनता के फैसले नूं सिर मथे लैण दी वी गल कही। ये तो यही है कि जो पब्लिक का फतवा है बीजेपी और हम सब उनके आगे सिर झुकाते हैं, और हम क्या करते हैं। बादल साहब 2017 में लगता नहीं है कि बीजेपी थर्ड फ्रंट यहाँ पे बन के आएगी? नहीं नहीं, कौन जी? ये जो हार हुई है सर, उसका मंथन होगा? हर पार्टी करती है ना, जीत होती है तब भी करते हैं, हार होती है तब भी। भैया वहाँ दिल्ली में आई है, दिल्ली में हारी भी है, पिछली दफा पार्लियामेंट में सारी सीट हारी है। ये तो नहीं कि अगर दिल्ली जीत गई तो सारा हिंदुस्तान। उधर समाज सेवी अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल नूं वधाई दिंदे होए नसीहत भी दे दित्ती है। उन्होंने कहा कि जो गलतियां उन्होंने पिछली बार कीतियां सन, इस बार वो गलतियां नूं ना दोहराउण। दिल्ली के चुनाव में आप पार्टी को जो बहुमत मिला है और अरविंद केजरीवाल अभी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मैंने पहले बताया था कि ये दोनों कार्यकर्ते हमारे कार्यकर्ते हैं, आंदोलन के कार्यकर्ते हैं। दोनों में एक तो मुख्यमंत्री बनने वाला है, और कोई भी बने तो मेरे उनके लिए शुभकामना है, ऐसे मैं पहले बताया था। तो आज अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनके लिए मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि एक अच्छे जीत हासिल किया, इसलिए मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की वड्डी जीत तो बाद जिथे देश भर के जश्न का माहौल है, उत्थे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी वर्करों में भी खुशी की लहर देखने को मिली है। पार्टी वर्करों ने अमृतसर और धूरी के ढोल ढमके से भंगड़ा पा के जश्न मनाया। अज जिहड़ा दशहरे वाला सैलीब्रेशन हो रहा, बराई ते शाही की जित हुई है, जो पूरे हिंदुस्तान दे विच इन्होंने दस्या हैगा भी अरविंद केजरीवाल और उहदी जिहड़ी आइडियोलॉजी, उहदी जिहड़ी पॉलिसी है वह नाकाम है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जित के यह दस दिता। अज की डेट दे विच पूरे हिंदुस्तान च पब्लिक झाड़ू दे नाल है, पर जित दा आपां सैलीब्रेशन कर रहे हैं, मोर दैन 50 सीटां आपां जित रहे हैं। दिल्ली इलैक्शन के जोड़े नतीजे ने जी, वो एक उस सोच की जित है जी अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे देश के दे फैलाई है, और इस क्रांति ने हम दिल्ली तो चल के पूरे हिंदुस्तान के फैलना, पिछले कुछ समय जे ठंडी पै गई सी, पर हूँ दिल्ली वासियों ने इनू नवी मशाल दी है, नवी अग्नि दी है। तो ये सारी सोच का संचार है जोड़ा हूँ असी आने वाले समय च पंजाब च पंजाब के वर्कर है जेडे रल मिल के अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई के भगवंत मान जी की अगवाई जी के असी पूरे पंजाब के तनदेही मेहनत करके अगे इस सोच का घर घर लेके जावे। दूजिया पार्टियां जिहड़ियां रवायती पार्टियां सी उन्हां दा बहुत वड्डा हंकार जो कर रहे सी, ते जिहड़े झूठे विकास दीआं गल्लां करदे सी उह दिल्ली की जनता ने नकारते। दिल्ली तो बाद पंजाब के लोग भी आम आदमी पार्टी नूं वड्डा फतवा देणगे। उधर जिला संगरूर में भी आम आदमी पार्टी के वर्कर सड़कों उत्ते उतर आए। इस दौरान पार्टी वर्करों ने भंगड़ा पा के जश्न मनाया ते लड्डू भी वंडे। इस मौके पार्टी वर्करों का कहना सी कि उन्होंने टीचा हुण पंजाब के लोगों को महंगाई, भ्रिष्टाचार, गुंडागर्दी और नशाखोरी तो मुक्त कराना है।
अज जी इतिहासक जित हुई है दिल्ली, यदा असर पंजाब से पैनी है, धूरी सीट पर भी पैना है। 2017 च भी लोगों ने कोई संघ दर्शन नहीं देखने, कोई इन्हों का होर किता काम नहीं देखना। लोग इन्ने दुखी ने नशे तो, नंबर एक तो जोड़ा रेता बजरी की ब्लैक उस तो दुखी ने, जी होर धियां भैन की खज्जल खुआरी होंगी है, जिन्हें बेरोजगार ने रोज़ डांगा भराइया जा रही, वह भी मुंडे जोड़े TET पास ने, 2011 तो हजे नौकरियां नहीं दिखाई जा रही। इस करके पंजाब के भविख बहुत ही ज़्यादा चंगा है कि लोगों ने टुट के पै जाना आम आदमी पार्टी वाल। जित एक करप्शन के खिलाफ सी, एक बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ सी, उही मुद्दे साढ़े पंजाब ने, उही पंजाब एक मुद्दा साढ़े को होर है, एक नशा का जो इस गढ़ बना चुके बादल ते अकाली सरकार, असी नशियां तो भी उभरना चाहते हैं, अपने पंजाब में भी उभारना चाहते हैं, इस करके असी जीतांगे, पंजाब भी लवांगे। पंजाब विच म्यूनसिपल कारपोरेशन ते निगम परिषद दीआं चोणां होण जा रहीआं ने। इस चोण विच श्रोमणी अकाली दल अपनी भाईवाल पार्टी भाजपा दे नाल मिल के चोण लड़न जा रही है, पर तरन तारण दे विच निगम परिषद दी वार्डबंदी दे दौरान वोटां दी हेराफेरी दे इल्ज़ाम लगा के दोवें पार्टियां इक दूजे दे सामने हो गईआं। SDM दफ्तर विच वोटर लिस्ट ठीक करवाउण पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी दे भरा राम जोशी ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਰਾਮ ਜੋਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਤਰਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਜੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਿੱਲੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀਆਂ, ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਹਿੱਲੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀ ਵੋਟਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਭਰਤ ਚੌਹਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਚੌਹਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਟੀਟੂ ਨਿਵਾਸੀ ਮਨਜੀਤ ਨਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੂਨਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੂਨਮ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਹਾ ਲੱਗੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਫੋਟੋ ਦੋਸ਼ੀ ने भेज के धमकी दी कि जेकर पूनम ने उसके खिलाफ दिती शिकायत तो उसके जानकार औरत खिलाफ उस वालों दर्ज केस वापस ना लिया तो वह आत्महत्या करके उसका नाम लिख देवेगा। पीड़ित औरत ने यह मैसेज पढ़िया तो वह डर गया तो अपने पति को सारी गल दसी, जिस तों बाद पति पत्नी ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है सालियां सोहरियां ना साडा, तो जी ਯੇਸ਼ੂ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਨਖਲੋ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸਾਲੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FR ਨੰਬਰ 116-328 ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਭਰਤ ਚੌਹਾਨ BJP ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦਾ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਰਗਲਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਮਿਸੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਆਸ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 116 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ 5 ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ 328 IP ਸਿੱਟਾ ਪਰਚੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ SHO 5 ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਫਿਰ DILEGAL ਤੋਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਫਟਰ ਓਪੀਨੀਅਨ 66 AI IT ਐਕਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। GRP ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ 380 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 380 ਨਸ਼ੀਲੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ASC ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਇਹਨੇ 5 ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਸੀ, ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਛੱਕਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੈਗ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਸ ਚਾਦਰ, ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਟੀਕੇ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਕਸਰ ਇਹ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਮ, ਸ਼ੈਣੀ ਵਾਸੀ, ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ, ਨੀਅਰ ਰਾਜਪਾਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿਟੀ ਫੋਰਡ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ SBS ਨਗਰ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 30/8/2015 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 22-88 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੈਣਾ ਟਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਹਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪੀੜਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਹਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੰਜੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਣਾ ਟਿੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ ਉਹ ਅੰਤਮ ਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ ਮਾਰਗ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੁਕਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।